दोस्तों आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं कार ब्लास्ट, इस तरह के वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको दो पार्ट में वीडियो को शूट करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट के वीडियो आपको सिंपल कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन में वीडियो को शूट कर लेना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से सिंपल आपको ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगाते हुए वीडियो को शूट कर लेना है ग्रीन स्क्रीन में। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस तरह की वीडियो आप किस प्रकार एडिट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो आप देख सकते हैं 8.6 सेकंड के हमारा वीडियो है। तो मैं आपको वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। तो वीडियो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से एडिट किया गया है। तो सिंपल आपको करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखी है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। तो वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको वीडियो ग्रीन स्क्रीन में ही शूट करना है। तो मैंने ग्रीन स्क्रीन में वीडियो को शूट किया हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में आपको देखना है स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। जो यदि आपको एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। तो लेफ्ट साइड का पार्ट जो हमारा 1 या 2 सेकेंड के आस पास एक्स्ट्रा पार्ट है, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हिट कर देंगे। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा था वो हमारा रिमूव हो जाएगा। वीडियो पे इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना, यानी कि लास्ट पॉइंट पर लेना है और दोनों फिंगर से इसे आपको जूम कर लेना है। इसके बाद अगेन वीडियो का आगे तरफ लेकर आना है और आपको देखना वीडियो हमारा कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। तो सिंपल आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको राइट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा था वो आपको रिमूव हो जाएंगे। पल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और आपको जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है उसे आपको रिमूव करना है। जब भी वीडियो आप शूट करेंगे तो आपका वीडियो फुल बॉडी में होना चाहिए। इसके बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करना है और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है। जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसे आपको कुछ इस तरह से भी आप क्रॉप कर सकते हैं। मैंने वीडियो को प्रॉपर शूट नहीं किया था, लेकिन आप वीडियो जब शूट करेंगे तो प्रॉपर आपको शूट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में हमारा ग्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो आपको वीडियो में प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन दिखना चाहिए। इसके बाद डन करेंगे, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, आपको जो बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है उसे आपको रिमूव करना है। सिंपल आपको क्रोमा की पे क्लिक करना है, इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना है। आप सही से एडजस्ट करेंगे तो जितने आपको बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है वो आपको पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से भी आप एडजस्ट चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद डन करेंगे, फाइनली वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे। मैं अपने वीडियो को ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूं। वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगेन वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम करना है। सॉरी, यहां से वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, यहां से आपको जूम इन जूम आउट कर देना है। इसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे अगेन और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है की पे, सिंपल क्लिक करेंगे अगेन आगे की तरफ लेकर आना है, यहाँ पर प्लस देना है और लास्ट पोजिशन में आ जाना है। इसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह से प्रेस करेंगे और इस वीडियो को यहाँ पे आपको यहाँ तक लेकर आ जाना है। इसके बाद डन करते हैं, वीडियो आप फाइनली प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो एडिट हो चुका है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस पोजीशन में आना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है और बीच में देख सकते हैं वीडियो जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको यहाँ पे ट्रिम टू राइट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो हमारा शूट किया गया है यहाँ पे हमारा काफ़ी कम सेकेंड का है। यदि आप वीडियो शूट करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 से 3 सेकेंड तक होना चाहिए। यदि हमारे वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसे हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद इस पोजिशन में आएंगे, इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद जो आपने जो सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने इसी वीडियो में सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट कर लिया था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ सेकेंड पार्ट का वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
देख सकते हैं हमने सेकेंड पार्ट का वीडियो यहाँ से स्टार्ट किए हैं। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। वीडियो को प्रेस करके रखेंगे, लास्ट पोजीशन में हमें लेकर आ जाना है। इसके बाद अगेन वीडियो को हम आगे की तरफ लेकर आना है, हमें देखना वीडियो को कहाँ तक रखना है, यानी कि कहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। वीडियो आप यहाँ पर सेकेंड पार्ट के वीडियो शूट करेंगे तो 5 से 6 सेकेंड तक वीडियो शूट होना चाहिए। इसके बाद अगेन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आपको दिख रहा है उसे आपको सबसे पहले क्रॉप कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद डन करेंगे, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले क्रोमा की को आपको इनेबल करना है। कलर की पे आना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी टाइम देना पड़ेगा तभी आप प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है और यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देना है। अगेन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, आप वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमारा वीडियो का साइज जो कुछ बड़ा है इसे हम कुछ इस तरह से हल्का छोटा कर लेंगे। इस पोजीशन में लेके आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में आना है, की पे क्लिक करेंगे, अगेन आगे की तरफ ले कर आएंगे, प्लस पे क्लिक कर देंगे। अगेन फिर से हम अगेन आगे की तरफ ले कर आना है और इसे हमको नीचे की तरफ आपको कर देना है। इसके बाद फिर से अगेन आगे की तरफ लेकर आना है, फिर से हमें नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। फाइनली हमारा वीडियो जब प्ले होगा तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लग रहा है हम गाड़ी के ऊपर से छलांग लगा रहे हैं। इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रिम टू राइट नहीं करना है। मैंने ट्रिम टू राइट इसलिए किया हूँ कि वीडियो हमारा यहाँ पर काफ़ी कम टाइम का ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो है यहाँ पे 4 से 5 सेकेंड तक शूट होना चाहिए और सेकेंड पार्ट के वीडियो 8 से 10 सेकेंड तक का होना चाहिए। वीडियो एडिट करने का प्रोसेस आपको सेम होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो में साउंड ऐड है तो आपको साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो वीडियो सेकेंड वीडियो के साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद हम वीडियो फाइनली प्ले कर दिखाता हूँ। जब आपका वीडियो प्ले होगा तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।